फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हो रहे हैं सुबह के 9 और आज का हमारा सीन है अपनी वाइफ के पीपीएफ कराना, मतलब टैंक दोबारा पीपीएफ करा रहे हैं। दोबारा से मेरा मतलब है जब मैंने ली थी तो शुरू के दूसरे दिन या तीसरे दिन मैंने इस पे पीपीएफ करा ली थी, क्योंकि यार देखो प्रोटेक्शन जरूरी है टैंक पे, क्योंकि निशान वगैरह आ जाते हैं। एक टाइम के बाद ये चेंज करानी होती है, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर। वो मैं तुम्हें बताऊंगा सब चीज मोटो ब्लॉग पे। बाइक को बाहर निकालते थोड़ा बहुत साफ करते और गैराज इतना बड़ा हो रखा है और जगह कम पड़ गई है, दिखाता हूं तुम्हें। तो गाइस देखो, एक ये बाइक खड़ी है, आरी फॉर लाइफ है, बस क्या ही बताए। एक आरी की बाइक, दूसरी अपनी ये खड़ी है, उधर एक अपाचे खड़ी है, इधर गाड़ी खड़ी है। तो पूरा एक बार गैराज दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ सीन है घर का, हर जगह बाइक गाड़ी तुम्हें दिखेगी। अब बाइक को अपने वाली को दिखा देता हूँ एक बार पास से थोड़ा। तो ये रही अपनी बाइक, उस पर पीपीएफ रखी है, शायद तुम्हें दिख रही होगी, यहाँ से थोड़े बहुत बबल आ रखे हैं इसमें जो। तो अभी इसको उतारेंगे, इसके नीचे क्लियर कोट होती है तो इसको बहुत ध्यान से गर्म करके उतारना पड़ेगा ताकि ये साथ में वो ना लेके आ जाए। तो यस, बाइक बाहर निकालते और उतारते हैं इसकी पीपीएफ पहले थोड़ा साफ करके, और फिर लेके चलते हैं इसको दोबारा से इस पर पीपीएफ कराने। बाइक रेड वेलवेट 150 किलोमीटर राउंड नोएडा से यहाँ तक आई थी, गंदी हो रखी है। अभी इसको एक बार साफ कर लेते हैं और इसका पीपीएफ तुम्हें शायद दिख रहा होगा, जो स्क्रैचेस दिख रहे हैं ये सब पीपीएफ पे है, इसके पेंट पे कुछ नहीं है। बहुत प्यार से पील करना पड़ेगा अभी हमें सारा। ये देखो ये वाली लाइनिंग में कह रहा था तुम्हें, ये लगी हुई है, ये सारी उतारेंगे और इसको अब साफ करते हैं थोड़ा सा। गाइज अभी हम इसको उतार रहे थे, ट्राई कर हमने उतार रहे थे, तुमने देखा वीडियो में, तो हुआ ये ज़्यादा पुरानी हो गई 2-3 महीने। इतनी भी नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा ज़्यादा मैक्स। अगर तुम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली करा रहे हो तो वो 2-3 महीने चल जाती। ये थी नॉर्मल बिल्कुल, ये 3 लेयर नहीं थी, तो ये स्टिकी जो वो होता है ना ये रह गया पीछे। तो अभी इसको उतारेंगे फिर इसको पेट्रोल से साफ करेंगे, देखते हैं। अभी धीरे धीरे इसको उतार रहे ताकि क्लियर कोट ना हटा दे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पूरी जो पीपीएफ थी ये उतर गई है, और ये ना स्पेशली वेलवेट, कोई नहीं दोबारा लगा लेंगे रेड वेलवेट। और ये तुम देख सकते हो उस पर जो ये स्टिकी मटेरियल आया है, अब इसको हटाना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। देखो हाथ मेरे कैसे चिपक रहे हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी ये, इस बार थोड़ी सही कराने वाले हैं। बाकी अभी इसको साफ़ करते हैं गर्म पानी या जैसे भी पेट्रोल से, जैसे भी साफ़ होगा तो ट्राई करते हैं इसको साफ करने की। लेट्स गो। जब ये उतारने में कुछ काम नहीं करता तो एंड में काम आता है पेट्रोल। तो पेट्रोल से देखो कितना जल्दी ये साफ़ हो रहा है, तुम्हें दिख रहे होंगे एकदम पूरा क्लीन हो रहा है। पेट्रोल मारती जहाँ भी पेट्रोल मार रहे हैं वहाँ से सब गंदी अपने आप हट रही है। तो ये इसको साफ़ करते हैं धीरे धीरे। तो एज यू कैन सी, इतने घंटों की मेहनत के बाद हमने बाइक पूरी क्लीन कर दी अच्छे से, एक एक चीज़ क्लीन हो गई है, दोबारा सारी पे शाइन आ गई है। और ये अभी पीपीएफ नहीं है, ये उसका ओरिजिनल टैंक आ गया बाहर, तो अभी चल रहा है इसको पीपीएफ कराने। आगे का सीन तुम्हें बताता हूँ, तो मिलते हैं अब सीधा गोप्रो पे। तो गाइस तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा अपना वेलवेट गायब, क्योंकि रेड वेलवेट की ऊपर से फिल्म उतर गई है। तो यस वो भी दोबारा लगाएंगे, वो भी मेरे पास रखा है एक्स्ट्रा, में लेके आया था। अभी कोल्ड स्टार्ट हो गया है, बाइक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दिख रहा होगा तुम्हें। तो अभी चलते हैं लेके इसको। आवाज़ क्या भाई, रेड रूस्टर क्या ही करते हैं भाई, क्या ही प्यारी आवाज़ है रेड रूस्टर्स की, मज़ा आ जाता है। और भाई सब लोग मेरे से एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि भाई तुम्हारी बाइक इतना साफ़ कैसे रहती है, तो तुमने आज देख ही लिया मेरी बाइक साफ़ क्यों रहती है। क्योंकि शुरू से मुझे ऐसी आदत है हमेशा बाइक्स वगैरह साफ़ रखने, क्योंकि मेरे से ज़्यादा साफ़ पापा करते हैं बाइक के, तुमने वीडियो में शुरू में देखा होगा।
साफ मैं करने वाला था, पर जबरदस्ती घुस के मेरे साथ साफ कराई उन्होंने बाइक। ज्यादातर उन्होंने ही करी है खुद, मुझे नहीं करने दे रहे जब वो होते हैं साथ में, तो ऐसा वाला सीन होता है। और PPF का वही सीन है, देखो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार चेंज करा लो, टाइम से चेंज करा लो। जैसा मेरे साथ हुआ आज वही होगा। अभी भी पता है टैंक साफ लग रहा है, पर पूरा साफ नहीं हुआ है, मुझे अभी दिख रही है वो, इस पे चीज़ें हैं गंदगी है वो। तब क्रैकल्स मुझे कम फील हो रहे हैं अपने एग्जॉस्ट में, अभी होता है बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम से नहीं डला है पावर फ्यूल, मैं हमेशा नहीं डलाता हूँ, जो जहाँ पे जैसा मिल जाता है वैसा डला लेता हूँ। तो ये वाला टैंक बिल्कुल खाली करके इस बार डलाने वाले हैं इसमें 160 रुपीज़ पर लीटर, जो कि आता है 100 ऑक्टेन। 100 ऑक्टेन डलने के बाद ये होता है, क्रैकल्स तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक बिल्कुल स्मूथ हो जाता है सब कुछ, इंजन स्मूथ चलने लगता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ बीच बीच में वो डला सकते हो, और ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा पावर फ्यूल ही, मतलब नॉर्मल तो ना ही डलाओ। मेरे यहाँ सीन ऐसा होता है हर जगह मिलता नहीं है, तो मैं नॉर्मल भी डला लेता हूँ, चलता सही है, बस वही है थोड़ा फील होगा तुम्हें, हो सकता है, मुझे तो होता है देखो। तो यस, अभी आपके पास शॉप आने वाली है PPF वाली, जहाँ से मैं कराता हूँ सब चीज़ें, एक बार करा लेते हैं अपना सारा काम यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या सीन है। तो अभी सीन ऐसा है, हमें लेमिनेशन के लिए यहाँ पे केशव स्टीकर करके है, और बाइक की सीट वगैरह उतर गई है, तो पूरा टैंक इसका PPF होना है। तो दिखा दो तुम्हें पूरा प्रोसेस कैसे कैसे सब सीन होता है, और तो तुमने हालत देख ही ली थी पहले क्या हुआ था टैंक का। तो अभी भी इस पर थोड़ी बहुत स्टिकी मटेरियल वो रह गया था, तो ये पेट्रोल से साफ होता है भाई, अभी इसको साफ कर रहे हैं पेट्रोल से, उसके बाद लगता है ये साबुन वाला स्प्रे साफ करने के लिए इसको सही से पूरी साफ हो जाएगी। तो इसके बाद इस पे लेमिनेशन ऊपर से रखी जाती है लगाने के लिए, तो ऐसा सीन होता है उस पर पहले पानी लगाते हैं लेमिनेशन पर डाल के, फिर टैंक पे लगाते हैं, और उसके बाद उसको इसके ऊपर रख देते हैं। बस काम कुछ नहीं, अभी चिपका नहीं है, इसके अंदर से सारा पानी निकालेंगे और इसको चिपकाएंगे बस। तो अभी सारा प्रोसेस देखो तुम टाइम लैप्स में। PPF का काम डन हो गया, बाकी छोटा मोटा मॉइस्चर का या बच्चे हैं निशान, ये हट जाएंगे अपने आप धूप वगैरह में हीट होके, अपने आप सेक्सी हो जाएगा ये। और उसका तो मैं एक बार ओरिजिनल पेंट दिखा देता हूँ, ओरिजिनल पेंट ये है नीचे, ये इतना शाइनी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, और ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, मतलब PPF होने के बाद इतना ज़्यादा शाइन आ गया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके ऊपर से क्लियर कोट करा रखी है बिल्कुल शाइनी वाली। तो ये कोई बता नहीं सकता, और PPF हो रखा है कि कहीं पे भी निशान नहीं है, कहीं पे कट नहीं है, कुछ नहीं है। अब मिलते हैं तुम्हें सीधा मोटर व्लॉग पे, दिखाता हूँ घर जाके एक बार क्या सीन है। बाकी जो हमने सुबह तुमने देखा वीडियो में मेहनत करके बाइक साफ करी थी, वो सारी गंदी हो गई दोबारा, तो ये सारी दोबारा अभी 2 घंटे मेहनत करके साफ करनी पड़ेगी। तो सीन कुछ ऐसा है, मिलते हैं सीधा तुम्हें मोटर व्लॉग पे, भगाते हैं थोड़ी बाइक। PPF डन हो गई, अब निकल रहे हैं यहाँ से और चलते हैं घर पे, आ गए आप भी आ गए, तो घर पे जाके बाइक साफ कर दे एक बार अच्छे से, क्योंकि पूरे दिन भर की 3-4 घंटे की मेहनत खराब हो गई है। तो लेट्स गो। नाइस पुल। एंडी क्रैकर्स तो बड़े सेक्सी है, बाइक तुम्हें अभी गंदी दिख रही होगी यहाँ पे। ND32 वैसे भी मुझे नहीं पता कैसा काम कर रहा होगा, अभी आज से सही 1 महीना 15 दिन बाद मैं इसको उतार दूंगा दोबारा। अगर तुम्हें अपना पेंट साफ रखना है तो ये सीन करना ही पड़ेगा गाइस। तो लेट्स गो, मिलते हैं आगे इस जाम के बाद, तुम्हें बताता हूँ और बाकी चीज़ें PPF से रिलेटेड। PPF का ऐसा ही सीन है, कराओ किसी नॉर्मल जगह से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही तुम्हें करना है कि एक जगह खड़े रह के सब चीज़ें उन्हें बता के करानी है, तो वो सही से कर देंगे। बाकी ये 300 रुपये में हुई है, 300 रुपये में इतनी चीज़ें मिल रही है तुम्हें, तो बहुत बेस्ट है भाई। 300 में तो मतलब कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी PPF, और ये शाइन इतनी बढ़ गई है इसे टैंक की बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है मैंने सिरेमिक कोटिंग करा दी है ऊपर से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय ब्रदर।